पुलिस ने खाचोद में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी किया गया माल व नगद रकम जब्त की है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ में लगी हुई है। बता दें कि उज्जैन जिले की खाचोद तहसील के गुरु नानक मार्ग पर रहने वाले सोना चांदी के व्यापारी कपिल सहगल के मकान में गत 6 दिसंबर को लाखों की चोरी की वारदात घटित हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए, इसमें कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं। खाचोद के रहने वाले चार पुराने बदमाश लापता थे। पुलिस ने तलाश शुरू की और मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। चारों आरोपी नाम वसीम शेख, पिता वाहिद हुसैन निवासी रावत पथ, साजिद उर्फ गुड्डू शेख, पिता जाकिर हुसैन निवासी रतलाम रोड, शेर खान उर्फ शेरू, पिता कयूम शाह पठान निवासी रावत पथ, मोहसिन पिता यूसुफ खान निवासी आजाद गली खाचोद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि चोरी के 1.5 लाख रुपए आपस में बांट लिए गए, आभूषण भाटखेड़ी रोड पर 60 फीट गहरे कुएं में छुपा रखे हैं। पुलिस ने आभूषण बरामद करने के लिए कुआं खाली करने के लिए चार मोटर लगाई, पानी खाली करने के बाद बाल्टी को बाहर निकाला, इसमें से 6,49,700 रुपए के आभूषण बरामद हुए। चोरी के बाद सोने की अंगूठी निकाली गई, जिसे बबलू पिता मोहम्मद शकील शेख को 13,500 रुपए में बेच दी। पुलिस ने बबलू शेख को हिरासत में लिया और अंगूठी बरामद कर ली। पुलिस ने चारों बदमाशों सहित चोरी का सामान खरीदने वाले व्यापारी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है। खाचोद में हुई इस वारदात का खुलासा करते हुए ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने बताया कि बदमाशों से पूछताछ में सामने आया है कि वह दिन में सुने मकानों की रेकी करते थे, रात में ताला तोड़कर वारदात को अंजाम देते थे। बदमाशों ने कपिल सहगल के मकान को उस वक्त निशाना बनाया था जब वह परिवार के साथ शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर गए हुए थे। दिनांक 6 दिसंबर 2023 को खाचोद कस्बे में एक सुन्ने मकान में कुछ लोगों ने रैली करके नकारने की थी, जिसमें हरियाणवी लोगों के वापस आने के बाद रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के बाद जो चोरी की संपत्ति थी 6.5 लाख रुपए का जो है प्रेशियस मेटल से सोना चांदी दोनों शामिल थे, वो बात चोरी गया है। हमारी खाचोद की टीम ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर कई सारे इनपुट्स वरिष्ठ दिए गए थे, उन पूरे निर्देश को फॉलो करते हुए लगातार 3-4 वर्ष की मशक्कत के बाद